हेलो फ्रेंड्स, सेटअप कर लिया है मैंने। तो गाइस चलते हैं फिर बाइक राइडिंग। ये मेरी फर्स्ट बाइक राइडिंग होगी। ये मयूर विहार फेज 3 है, लेफ्ट और राइट में दोनों साइड आप देख सकते हैं। कितना खूबसूरत लग रहे हैं सूरज भगवान। तो कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, सूर्य ढलते हुए दिख रहे हैं। गाइज अब रेड लाइट पे, तो इसे न्यू कोंडली कहते हैं। लेफ्ट और राइट दोनों साइड। दिस इज माय फर्स्ट बाइक राइडिंग विद गोप्रो। फ्रेंड से मैंने अभी गोप्रो लिया था नया, इसके बारे में एक वीडियो मैं बनाऊंगा। 100 मीटर लेफ्ट से फिर निकलते हैं गोल चक्कर। तो ये देख सकते हैं सामने, जी सर। अब हम नोएडा में एंट्री कर रहे हैं। कोंडली से नोएडा एकदम पास में है। ये आप सामने देख सकते हैं नोएडा सेक्टर 11 राइट होंगे। तो ये देख सकते हैं बोर्ड सामने, मुझे नहीं पता दिख रहा नहीं दिख रहा है। सेक्टर 1, 2, 6 सामने। दिल्ली जाना है तो राइट साइड में दिल्ली है, राइट साइड में दिल्ली है। ढलते सूरज को देखिए आप। सेक्टर 11 से यदि गोल चक्कर वाले रोड पर गोल चक्कर के लिए जाते हैं तो सामने ये देखिए हरोला आता है लेफ्ट में। इस साइड सेक्टर 6 है, सेक्टर 6 में ही नोएडा अथॉरिटी है इस साइड में। तो श्री लाल मंदिर है सेक्टर 2 में, से 150 मीटर दूर है गोल चक्कर। तो गाइज ये सेक्टर 2 है और ये सेक्टर 1 है। ये PDIL का ऑफिस है, यहाँ बड़े बड़े ऑफिस है सेक्टर 1 में। अभी देख सकते हैं सामने इंडियन ऑयल, ये इंडियन ऑयल की बिल्डिंग है, देख लीजिए आप। नाम है, पहले गोल चक्कर हुआ करता था, अब ये जैसे चौराहा होता वैसे ये सामने दिल्ली चला जाता है रोड। अब ये हम नोएडा सेक्टर 15 का जो मेट्रो स्टेशन वहाँ आ गए हैं, आप देख सकते हैं सामने। यदि आपको दिख रहा होगा नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन। अब आगे से यूटर्न लेकर के मुझे चलना होगा। तो गाइज लेफ्ट में सेक्टर 2 है, गोल चक्कर से हम लेफ्ट हो गए थे। ये मेट्रो जा रहा है सेक्टर 16, 18 बोटैनिकल गार्डन, यानी नोएडा में जो मेट्रो जा रहा है दिल्ली से नोएडा, वहाँ आ गए हैं हम लोग। मुझे ऐसे यू टर्न होना था पर थोड़ा सा और आगे से कर लूँगा, यहाँ से मैं यू टर्न लेने जा रहा हूँ। ये सेक्टर 15 है सामने और इसको हम नए बस गाँव भी कहते हैं। अच्छा, ये सेक्टर 15 में एक ये देखिए सिनेमा हॉल हुआ करता था, इसका नाम अलका सिनेमा। ये सेक्टर 15 का पेट्रोल पंप है। ये जो अलका सिनेमा है ये बंद हो चुका है, काफ़ी साल हो गए। ऐसे ही था, ऑर्डिनरी जैसा था। तो ये फिर हम आगे गोल चक्कर पर, नोएडा से दिल्ली जाने के लिए ये रोड है। तो राइट साइड में सेक्टर 14 का पेट्रोल पंप है। ये सेक्टर 15 में अंदर जाने के लिए है कि कहाँ जाता हूँ मैं, कोई प्लान नहीं है।
बहुत ही बड़ा पार्क है ये। इस पार्क के ऊपर होकर के फ्लाईओवर गया हुआ है और इस पार्क का नाम है अमिताभ बच्चन पार्क। ये सारा यमुना है पर पानी नहीं है इसमें, बस तो लोग खेती कर रहे हैं। ये मयूरविहार फेस वन है सामने, ये मयूरविहार एक्सटेंशन देख रहे हैं। यहाँ पर मेट्रो जा रही है सामने सामने वाला राइट साइड में। आपको अक्षरधाम पहुंचा देगा ये फ्लाईओवर। ये राइट साइड में देख रहे हैं मयूरविहार फेस वन, क्या रोड्स बन रही हैं यहाँ पर। ये मयूरविहार फेस वन मेट्रो स्टेशन। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो उनके लिए जो प्लेयर्स थे उनके रहने के लिए जो फ्लैट्स बनाए गए थे। ये अभी आगे आएगा जो अक्षरधाम है उसके बैक साइड में, और यहीं पे कॉमनवेल्थ के जो गेम्स भी हुए थे। थोड़ा गोल चक्कर से यहाँ पे आए हम आगे, और ये है इंडिया का सबसे चौड़ा रोड, सबसे ज़्यादा लेंस के 14 लेन ये रोड बना हुआ है जो मेरठ जाता है। यहाँ से ये दिल्ली से मेरठ जाता है गाजियाबाद, तो देख सकते हैं ये है अक्षरधाम। ये पूरा एरिया अक्षरधाम का है, ये देखें वहाँ से वहाँ तक। फिर देख रहे हैं ऊपर मेट्रो जा रही है। तो आज का प्लान था मेरा अक्षरधाम तक आने का, तो ये तो आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ से देखते हैं अक्षरधाम कैसा है। तो गाइस ये देखें दोस्तों कितने बड़े एरिया में है अक्षरधाम। हो सकता है देखें फॉग है और पोल्यूशन भी है दिल्ली में, इसीलिए ये उतना साफ़ नहीं होगा। दिन में दिखाऊंगा किसी दिन में। तो बस ये फिर से मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये नोएडा गोल चक्कर सीधा चला जाएगा, और ये सीधा चला जाएगा आगे से राइट जाएं तो लक्ष्मीनगर, लेफ्ट जाएंगे तो ITO, और यदि सीधा जाते हैं तो आप राजघाट के लिए जा सकते हैं। ISBT लाल किले के लिए भी ये रूट भी जाता है, लेफ्ट ITO होकर भी जाएंगे। ये देखें सिक्योरिटी, तो ये अक्षरधाम जाने का रोड है देखें बंद है क्योंकि मंडे को क्लोज रहता है ये अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन। देख सकते हैं सामने अक्षरधाम, ये अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन है। गाइस अब अक्षरधाम से मैं यू टर्न लेकर के दोबारा अब मैं वापस जा रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ इसी के आसपास कहीं राइड करूँगा मैं थोड़ा सा नाइट में भी, दूर जाने का मन नहीं कर रहा अभी। तो राइट साइड में अभी मैं यहीं पे खड़ा था अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दिल्ली से मेरठ 14 लेन का रोड है ये। इसके बाद मदर डेयरी इसी रोड पे आगे जाकर है। फेस वन मेट्रो है, साउथ इंडियंस का जो मंदिर है ये सारे। ठंड तो काफ़ी पड़ रही है। तेरिया यहाँ लेफ्ट साइड में है समाचार, जिसको हम नोएडा मयूरविहार एक्सटेंशन बोलते हैं। मयूरविहार एक्सटेंशन में ये तो मैं भी फ्लाईओवर से जा रहा था अक्षरधाम के लिए, तो मैंने आपको दो होटल दिखाए थे।
न्यू अशोक नगर में है। यहाँ तक फिर हम नोएडा जाएंगे। वेलकम टू नोएडा।